हेलो गाइस, जब आपने पहली बार यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको काफी अजीब लगा होगा कि हमने मैथ में साइन कोस थीटा अल्फा गामा लैम्डा न जाने कितने तरह तरह की चीजें पढ़ ली। और अब हमें पढ़ना है केप। केप भी कोई अल्फाबेट के लगाने की चीज है, अल्फाबेट की केप कौन लगाता है यार। बट हम चाहे खुद से ऐसे कितने सवाल कर ले, लेकिन सीधी सी बात है, हमारे सिलेबस में यूनिट वेक्टर है तो हमें इसे पढ़ना ही होगा, चाहे हम इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़े या बोरिंग तौर पर। और जब हमें हर हाल में इसे पढ़ना ही है तो क्यों ना इसे इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाए। फर्स्ट टॉपिक आपने वेक्टर पढ़ा होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जिसके बारे में जानने वाले हो वह यूनिट वेक्टर के अंतर्गत ही आता है। और यूनिट वेक्टर वेक्टर का ही एक टाइप है। तो अगर आपको वेक्टर के बारे में डिटेल में जानना है कि वेक्टर का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है, हम वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक यही कहीं कोने में विजिबल हो रहा होगा। लेकिन आपके लिए बेटर ये रहेगा कि आप पहले ये वाला वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो के बाद वेक्टर वाला वीडियो देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आपको पता होगा कि वेक्टर किसे कहते हैं, सदिश किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल लाइटली तौर पर बता देता हूँ कि वेक्टर होता क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मौजूद हो तो उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी जिस भौतिक राशि में उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी हो उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर फोर्स लेते हैं और फोर्स को हम सिंपली एफ से डिनोट करते हैं। और जाहिर सी बात है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे हम एक छोटे से तीर से दिखाते हैं, मतलब हम इसके ऊपर एक छोटा सा तीर लगा देते हैं, तो हम कुछ इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हमें तो यूनिट वेक्टर पढ़ना था, केप पढ़ना था, वह कहा है। तो जो केप है वह इस वेक्टर एफ के अंदर ही मौजूद है। और जब हम इस वेक्टर एफ को एक्सटेंड करते, इसे आगे सॉल्व करते तो इसे कुछ इस प्रकार लिखते। तो यहाँ पर सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, इसी बॉक्स को धकेलने में जो बल लगाए वह कितना लगाए, और उसके जस्ट बाद डायरेक्शन लिखी जाती है कि ये बल किस डायरेक्शन में लगाए, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाए। और डायरेक्शन को हम केप लगा के लिखते, मतलब एफ के ऊपर एक केप लगा देते। ध्यान से देखोगे तो ये भी एक छोटा सा एरो ही है। तो सिंपली आपको यहाँ से समझना चाहिए कि जब भी किसी अल्फाबेट के ऊपर केप लगा होता है तो वह और कुछ नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन को डिनोट करता है, वह एक डायरेक्शन ही होता है। मैग्नीट्यूड को तो हम कुछ इस प्रकार मॉडुलस के बीच में लिखते हैं। और जब किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एक हो यानी यूनिट हो तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है, क्योंकि यह इसका मैग्नीट्यूड एक है। और एक को जब हम किसी भी राशि से मल्टीप्लाई करते तो वही राशि या वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एफ केप लिखा जाएगा और इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो ये जो केप होती है, जो अल्फाबेट के ऊपर केप लगी होती है, इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी केप आ जाए, समझ लो ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। और हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा देखने मिलता है आई के प्लस जे के प्लस के केप, तो समझ जाओ ये एक 3D शेप को डिनोट कर रहा है, जहाँ आई केप के साथ आने वाला नंबर एक्स एक्स को डिनोट कर रहा है, और जे केप के साथ आने वाला नंबर वाई एक्सएस को डिनोट कर रहा है, और के केप के साथ आने वाला नंबर जेड एक्सएस को डिनोट कर रहा है। अगर ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार है 2IK+3JK+4KK, तो शेप कुछ ऐसा बनेगा। और ये आई केप जे केप के केप डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं कि ये जो शेप है वह इन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो केप में बस इससे ज़्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आई केप जे केप के केप के कुछ फॉर्मूले होते ही है जो आपको आने चाहिए। ऑलराइट, तो आपको केप का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ऐसा है और आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अब आप यहाँ पर क्लिक करके वेक्टर वाला वीडियो देख सकते हो। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।